तो एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में पहली एप्लीकेशन है, कभी भी क्रिकेटर जब बॉल को कैच करेगा तो वो अपने हाथों को पीछे करेगा। अगर वो हाथों को ऐसे रख के कैच करेगा तो उसके हाथ पे पहले तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी और हाथ भी टूट सकता है, ठीक, इतनी तेज़ बॉल आती है। तो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को कम करना चाहता है। फोर्स तो कम नहीं कर सकता, पर उसका उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकता है टाइम को बढ़ा के। कैसे, ये देखो, जब एक बॉल मेरे हाथ पे आई बैट से लग के, ये आ गई मेरे हाथ पे लग गई, अब मैं इसको क्या चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ। तो मान लो ये बॉल मेरे को हिट करती है विद वेलोसिटी ऑफ 100 और फाइनल वेलोसिटी इस बॉल की क्या होनी है, 0। मैं इस मोमेंटम को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बैट्समैन को थोड़ा ना कहूंगा बॉल तो होली मार या तेज मार, वो तो जो मारेगा मारेगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो यानी कि जो मेरा इनिशियल मोमेंटम है वो तो एक कांस्टेंट है, मैं इसको चेंज ही नहीं कर पाऊंगा, वो तो जो उसने बॉल मार दी तो मार दी, डन हो गया। हाँ, फाइनल मोमेंटम मुझे पता है क्या आना चाहिए, 0। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मेरे हाथ में नहीं है, ये राइट हैंड साइड हर हालत में कांस्टेंट है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। बॉल की स्पीड मैं चेंज नहीं कर सकता, फाइनल मेरे को 0 लेके आनी है तो चेंज तो कांस्टेंट ही आएगा। हम एक काम कर सकता हूँ, इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर एक टर्म को बढ़ा दूं, कैच करने के समय को बढ़ा दूं, तो मेरे हाथ में फोर्स कम लगेगी, इसलिए क्योंकि एफ इन टू टी इज अ कांस्टेंट, टाइम को बढ़ाने से फोर्स कम लगेगी, कोई डाउट इसमें? इसलिए कैच करने के टाइम को बढ़ा दिया जाता है ताकि इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाए। शॉकर सिस्टम है गाड़ियों के अंदर, झटका लगता है, वो झटका एब्जॉर्ब कैसे होता है, स्लो मोशन, शॉकर क्या है, दबता है फिर खुलता है, गाड़ी पूरी की पूरी नीचे जाके ऊपर आती है, आपको कोई चोट नहीं लगती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब झटका लगा वो आपके हाथ में ही नहीं है। हाँ, झटके को 0 करना है वो आपके हाथ में है, तो प्रोडक्ट तो फिर इनका डिफरेंस तो फिर कांस्टेंट है। तो तुम झटके के समय को बढ़ा सकते हो ताकि फोर्स तुम्हारे ऊपर कम लगे। तुम ट्रैक्टर पे जाके बैठ जाओ, उछल उछल के गिरोगे, क्यों? क्योंकि शॉकर ही नहीं है। जब शॉकर ही नहीं है तो ये टाइम बहुत कम है, एकदम झटका लगेगा और एकदम तुम रेस्ट करने की कोशिश करोगे, टाइम कम है तो आपके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएगा झटका, वो झटका आप ही के अंदर ट्रेवल कर जाएगा, शॉकर तो है नहीं, तो आप में जब फोर्स ट्रेवल करेगी आप उछलोगे। तो ये लो, अगर आप किसी छत से नीचे हार्ड इसके ऊपर जंप करते हो, हड्डियां टूट सकती हैं, बहुत जोर की फोर्स लगेगी, लेकिन अगर ये सैंड होगी आप धंसते जाओगे, आपके पास फोर्स कम लगेगी। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम फिर कांस्टेंट है, तुम जंप नीचे हिट करने के जब फोर्स लग रही है आपके ऊपर उसके टाइम को बढ़ा दो तो फोर्स की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है हम समय क्यों बढ़ाते हैं फोर्स का, ताकि फोर्स की वैल्यू कम हो जाए।